व्हाट्सअप गाइस, आई होप कि आप लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे से सेफ रह रहे होंगे। खैर, ये वक्त तो काफ़ी ख़राब है और मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने घर के अंदर रहें। तो खैर, आपने कैप्शन और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने कवर किया श्रीलंका टूर, जो कि एक सोलो ट्रिप थी पूरी तरीके से 19,000 के अंदर, एंड मैंने एक्सप्लोर की 8 सिटीज़। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने इसको मैनेज किया पूरा ये। तो सबसे पहले फ्लाइट मैंने सर्च किया था वीगो से। तो वीगो एक ऐसी साइट है जो कि कंपेयर करके बता देती है हर साइट में कि फ़्लाइट का क्या रेट है, क्या है, नहीं है। तो फ्लाइट इंडिया में हर जगह से मिलती है, बट वो साउथ में एक हॉल्ट लेती है, एक लेओवर होता है उसका। तो मैंने सोचा कि जो मैं अपनी फ़्लाइट लूँ वो मैं डायरेक्ट चेन्नई से ही ले लूँ। तो जब मैंने वीगो में सर्च किया तो ईज़ माई ट्रिप, जिससे मैं पहले भी कर चुका हूँ बुक, तो उसमें कूपन लगा के लगभग फ़्लाइट मुझे आना जाना 8,500 में पड़ा, और फ़्लाइट लगभग 1-1.5 घंटे की थी, इंडिगो थी फ़्लाइट चेन्नई से कोलंबो के लिए। और इसके बाद फिर जब वीज़ा की बात आती है, तो वीज़ा मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया, जो कि श्रीलंका प्रोवाइड करता है। और मैंने अपने वीडियोस में भी बताया कि हाल ही में श्रीलंका में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, जैसे कि जो अप्रैल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, तो जिसकी वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो फीस थी, वीज़ा फ़ीस यानी कि 2,000 रुपये, वो छोड़ दी थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगा इस चीज़ को देख के कि चलो भाई 2,000 रुपये नहीं लगेंगे। तो ये भी एक रीज़न था कि मैं श्रीलंका क्यों चूज़ किया बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। और मुझे लगता है कि अभी ये जो लॉकडाउन है, इसके बाद भी वीज़ा का जो फ़ीस है वो फिर से हट जाएगा, क्योंकि अभी बीच में फिर लगा दिया था श्रीलंका गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये, जो भी आते हैं $20 लगभग। फिर जो आता है वो आता है करेंसी और सिम कार्ड। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो कि मेरी पहली या दूसरी वीडियो में आपको दिख जाएगा। इसके बाद मैंने हॉस्टल या होटल कैसे लिया, हॉस्टल्स या होटल जहां मैं स्टे किया। तो जनरली मैंने हॉस्टल ही प्रेफर किया, हॉस्टल एक अच्छा जगह है जहां पर बाकी लोगों से मिल सकते हैं। और कुछ जगह लकीली मुझे एक पूरा प्राइवेट रूम मिल गया काफ़ी सस्ते में, और एक जगह मैंने एक रिसॉर्ट लिया था। तो कुल मिला के जो सबसे सस्ता मुझे हॉस्टल मिला श्रीलंका में, वो थे लगभग 200 रुपये का मिला था एक दिन का। और एक रिसॉर्ट लिया था, वो 700 का था, वो बेंटोटा में था। तो ज़रूर उसमें रुकिएगा, वो काफ़ी अच्छा है, वो मैंने दिखाया भी अपने वीडियो में। बाकी मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया है कि मैं कहाँ रुका और क्या वो रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है, ये आप ज़रूर देखिए सारी जो स्पेसिफिक मैंने वीडियोज़ बनाई है। तीसरा पॉइंट आता है फूड। एक्चुअली मैं प्रीफर करता हूँ, मुझे लगता है कि जो एक किसी भी कंट्री या किसी भी जगह का जो एक खाना होता है, वो वहाँ के लोकल फूड ही खाना चाहिए। तो उसके लिए स्ट्रीट फूड जनरली मैं प्रीफर करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे छोटी छोटी शॉप में काफ़ी कुछ टेस्ट किया, काफ़ी कुछ खाया। तो मुझे इसका कोटू बहुत पसंद था, तो एक टाइम का मील कोटू लगभग 150 रुपये करके था इंडियन करेंसी में। तो ये भी मैंने अपने वीडियोज़ में दिखाया है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। एंड उसके अलावा मैंने क्या हॉपर्स था, वो काफ़ी अच्छा लगा। इडियप्पम एक होता है डिश जो कि साउथ इंडिया में भी मिलती है, वो भी काफ़ी टेस्टी था। और लेकिन कोटू फेवरेट था मेरा, कोटू जो रोटी के टुकड़ों से बनता, मैंने दिखाया है एक अपनी वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। तो एक टाइम का लगा लीजिए, मान ली कुछ आप ड्रिंक लेते हो या कुछ करते हो, तो 200 रुपये से ज़्यादा तो नहीं लगने, तो काफ़ी सस्ता है ये। कई कई जगह तो 100 ही रुपये मिल जाता था कोटू। तो अगर आपने मेरी अल्लाह की वीडियो देखी, जिसमें मैं 2 फॉरनर्स के साथ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया से थे, तो काफ़ी कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोग को लीच काट लिए थे, पूरा एकदम ब्लड हो गया था हमारे पैरों पे। तो काफ़ी मैंने उनकी हेल्प की, तो उन्होंने भी मुझे ड्रिंक ऑफर किया। तो एक टाइम तो यही मेरा निकल गया ऐसे ही ड्रिंक से ही। अब अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मैंने कैसे क्या लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने जनरली एक, जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो एयरपोर्ट है निगोम्बो में, ना कि कोलंबो में। तो वहाँ से कोलंबो जाने के लिए मैंने एक बस लिया, गवर्नमेंट बस। उसके अलावा मैं सिटी में ज़्यादातर ऑटो हायर करके जा रहा था, जिसको बोलते हैं टुक टुक। और एक पिकमी ऐप होता है, पिकमी ऐप, जैसे कि हमारे यहाँ ओला या उबर होता है, वैसे ही पिकमी ऐप होता है। तो मैं उसको जरूरी यूज़ किया, और आपको भी रिकमेंड करूँगा ज़रूर कि आप भी उसको यूज़ करो जब आप श्रीलंका जाएँ। इसके अलावा मैंने लोकल बस भी ली एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और मैंने पैदल बहुत वॉक किया। तो वॉकिंग बोलते हैं ना कि पैसा बचाने के लिए पैदल ज़रूर चलें। तो ऐसी जगह हॉस्टल लीजिए जो कि आसपास में रहे, जैसे कि आप कवर कर सको।
मैंने पैदल भी काफ़ी चलाओ। एक टाइम मैंने हिच हाइक किया जो कि था मिरिसा में, तो हिच हाइकिंग भी बहुत आसान मैंने सुना था। तो हिच हाइकिंग के लिए मैंने बस यूं ही ऐसे थम्सअप किया और विद इन 2 या 3 मिनट्स एक मुझे गाड़ी मिल गई, और उसका एक्सपीरियंस भी मैंने बताया अपने एक वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा हिच हाइकिंग भी करके भी आप पैसा बचा सकते हो। अब रही बात शहर से शहर जाने के लिए, तो उसका 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेन, दूसरा है कि लोकल शेयर्ड बस, या फिर आपकी खुद की गाड़ी, मतलब टैक्सी करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं उसका। और जब मैं था तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेन से स्ट्राइक पे, तो पूरे टाइम स्ट्राइक पे रही, तो मैं ट्रेन पे बिल्कुल नहीं जा पाया और मैंने बस ही लोकल बस लिया, वैन टाइप जो होती। इस तरह करते करते मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, और काफ़ी सस्ता था, मतलब एसी बस भी बहुत सस्ती थी। और आई थिंक कि मेरे से एक चीज़ मिस हो गया, जो कैंडी से एल्ला तक जाता है रास्ता, वो ट्रेन जर्नी बहुत फेमस है और बहुत खूबसूरत है ऐसा बोलते हैं, तो वो मेरा मिस हो गया था। तो मैंने वहाँ पर बस लिया, खैर उसके अलावा बाकी जगह तो ठीक था। खैर अब ये आता कि मैंने 8 सिटीज़ कैसे कवर की। तो जनरली श्रीलंका में ऐसा है कि ज़्यादा टाइम एक सिटी में देने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने हर एक सिटी में एक एक दिन ही दिया, जैसे कि कोलंबो में 1 दिन, दूसरा फिर आता है कैंडी, उसके बाद मैं कैंडी गया, लेकिन कैंडी से मुझे लेनी थी एक ट्रेन, लेकिन अब अनलकीली स्ट्राइक पे थी ट्रेन, तो मैं फिर लोकल बस लिया, और वो बस जर्नी नुवारा एलिया एक जगह है वहाँ से होते हुए जाती है। तो मैंने नोमैडिक इंडियन का एक वीडियो देखा था, नोमैडिक इंडियन की, नुवारा एलिया में एक जगह है जहाँ पर सीता जी को रावण ने रखा था और जहाँ पर हनुमान जी उनसे मिलने गए, तो ये काफ़ी दिलचस्प लगा मुझे ये चीज़, तो मैंने सोचा कि अब तो जाके करूँगा ही करूँगा इसको कवर। तो जब मैं गया तो मुझे बस चेंज करनी थी, तो मैंने बस चेंज नहीं किया, मैंने 4-5 घंटे का हॉल्ट लेके एक लोकल टैक्सी या टुक टुक जो भी बोल लीजिए उसको लेके मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किया, और उसके अलावा मैं अशोक वाटिका जहाँ था वहाँ गया, और उसको भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि वो कैसा दिखता है, उसको भी आप जरूर जा सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका जाएं और रामायण से रिलेटेड कुछ देखें ना तो क्या मतलब उसका। इसके अलावा फिर वहाँ से मैंने फिर बस चेंज की और मैं गया एला। तो एला में मेरा हॉस्टल था, बस नुवारा एला मैंने ऐसे से कवर किया, और एक पॉइंट जो मेन था अशोक वाटिका वो मैंने कवर किया। अब एक रात रहने के बाद एला में मैंने नेक्स्ट डे फिर से बस लिया। बस की जर्नी बहुत लंबी थी, 6-6, 7-7 घंटे लग रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि एला से मैंने लिया बस मिरिसा के लिए चेंज करते करते, तो एक दिन मैंने मिरिसा में बिताया, जहाँ पर मैंने अपनी नाइट लाइफ भी दिखाई है श्रीलंका की, वो भी आप देख सकते हो, ऊपर आप फ्लैश हो रहा है आप उस पर जाके देख सकते हैं। बाकी मिरिसा के बाद मैंने बस लिया और मैं गया गौल, गौल या गाले जिसको बोलते हैं, GALLE, जहाँ पर क्रिकेट मैच भी होता है कई बार। तो सबसे अच्छी जगह, मुझे जगह तो कई सारी अच्छी थी, लेकिन एक ये सिटी मुझे बहुत पसंद आई, गौले। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पूरा कवर किया, और मैं 2 बार गौल फोर्ट गया, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छी एरिया है वो। उसके अलावा फिर मैंने एक गौल से एक बस लिया मैंने चेंज करते हुए, बेंटोटा आ गया। बेंटोटा भी काफ़ी दूर था लेकिन ठीक है, आ गया। और बेंटोटा में मैंने एक रिसॉर्ट बुक किया था, जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में पहले बताया, तो वो रिसॉर्ट एकदम मेरे एकदम समुद्र पे ही खुलता था, तो मैं जैसे ही निकला वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था, एकदम रेलवे लाइन थी, तो वो भी मैं बताया हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ जाके कैसा व्यू है वहाँ से। और लास्ट में आता है निगम्बो। निगम्बो ऐसी जगह है जहाँ पर श्रीलंका का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलंबो में नहीं है, निगम्बो में है, तो इसलिए लास्ट दिन मैंने ट्रैवल किया निगम्बो, और मैं उस जगह भी गया जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और काफ़ी बुरा लग रहा था सोच के कि यार अच्छा खासा कंट्री पर कितना प्रभाव पड़ता है, टूरिज्म में इफेक्ट होता है। खैर तो लगभग मैंने बिताए वहाँ पर 8 दिन, और लगे मेरे 19,000 रुपये इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, तो मतलब 10,000 में मैंने ट्रैवल कर लिया सब कुछ, और मेरे 2,500 उसमें से लगे थे एक जो वेल वॉचिंग टूर था उसमें, लगभग 2 से 3 हज़ार या 2,500 ऐसे कुछ लगे थे, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उतने रुपीज़ लगे थे। उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। तो 2-2,500 रुपये कंपलसरी नहीं है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो आप बीच पे रह के आप सर्फिंग कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने एला में
बहुत कम टाइम दिया। मुझे लगता है कि एला में काफ़ी टाइम देना चाहिए था। वैसे एक दिन का प्लान था मेरा, लेकिन बीच में नुवारा एलिया चला गया, तो नुवारा एलिया के साथ भी मैंने गलत किया कि मैं उसको आधा दिन कवर किया और एला को भी मैंने आधा दिन कवर किया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक एक दिन आप लोग दोनों जगह रहो। बाकी मुझे लगता है कि श्रीलंका में जितनी भी जगह मैं गया उसमें से कोई भी जगह एक दिन से ज़्यादा रहने लायक, मतलब आप रह सकते हो लेकिन रहने लायक तो नहीं, मतलब उतने में कवर हो जाएगी। और जो कुछ जगह मेरी छूट गई उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सिजीरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि, लेकिन वो मेरे पाथ या मेरे आइटनरी में नहीं बैठ रही थी क्योंकि रास्ता कुछ अलग सा था उसका और मेरे पास लिमिटेड टाइम था क्योंकि मेरे कॉलेजेस खुलने वाले थे और ये मैं गया था दुर्गा पूजा में लास्ट ईयर 2019 में, तो इसीलिए वो मिस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊँगा और जब कभी देखते हैं कब ये लॉकडाउन और ये सब ख़त्म होता है तो आप इनसे मिले कि नहीं मिले। ये है बनी, बनी साहब, तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप नीचे जाके लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों को, अगर आपके मन में भी ये जुनून है तुमको रख देते हैं, अगर आपके मन में भी जुनून है कि आप जाके सोलो ट्रिप कर सकते हैं मेरी तरह, तो ज़रूर जाके करिए क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट कुछ कमी थी कि जैसे मैंने बहुत कम टाइम दिया हर एक जगह को, और जगह और भी मैं टाइम दे सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारी एशिया में कंट्रीज हैं जिसमें आप आराम से जाकर सोलो ट्रिप कर सकते हैं। ये तो एक बस गाइड था कि श्रीलंका में आप जब लॉकडाउन और ये सब जब सब नॉर्मल हो जाए तो आप जाके कैसे ट्रेवल करें 19,000 के अंदर या 20,000 मैक्सिमम, जो कि एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहेगा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ बताऊं कि कैसे मैंने ट्रैवल किया सब कुछ, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सब पसंद आया हो। बाय बाय।